हिंदू धर्म में हर तिथि हर त्यौहार का अलग महत्व है। इस बार 16 तारीख को शरद पूर्णिमा आ रही है, इसका क्या धार्मिक महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तिथियों का और अलग अलग त्योहारों का अलग महत्व कहा गया है, उसी प्रकार हर तिथि का अलग महत्व होता है। शरद पूर्णिमा आती है, इसका विशेष महत्व कहा गया है। इसे तो हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व कहा गया है, परंतु ये शरद पूर्णिमा माँ का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए, विचरण करने के लिए आती हैं, इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व कहा गया है। शरद पूर्णिमा 16 तारीख बुधवार को मनाई जा रही है। इस पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, और कहा जाता है कि चंद्र के द्वारा उसकी प्रकाश से अमृत बरसता है, तथा इस दिन का व्रत करने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। और शरद पूर्णिमा का नियम है कि अपने घर पर भोजन बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, वो छत पर चंद्र की रोशनी में रखी जाती है। और पुराणोक्त तथा लौकिक मान्यता है कि जब चंद्र की रोशनी में वो खीर रखी जाती है और भोजन रखा जाता है, छतों पर चंद्र की रोशनी में भोजन खीर रखा जाता है। पुराणिक तथा लौकिक मान्यता है कि इस दिन चंद्र की जो प्रकाश बरसता है उसमें अमृत की किरण अमृत बरसता है, इसलिए रात्रि में यह भोजन तथा खीर रखी जाती है, उसके पश्चात उसका ग्रहण कहा जाता है। एक मान्यता है कि इसी दिन रावण भी दर्पण द्वारा अपने नाभि पर चंद्र के प्रकाश को, अमृत स्वरूप प्रकाश को डालता था, जिससे वह दोबारा युवा अवस्था में प्राप्त हो जाता था। इसी कारण यहाँ पे इस शरद पूर्णिमा का यह महत्व कहा गया है। और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा बड़ा पवित्र दिन कहा गया है। इस दिन तामसिक भोजन का तथा आहार नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का आहार नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात अपने भारतवर्ष में रंगों का भी बड़ा महत्व है, और कहा जाता है कि जो काला रंग होता है वह अशुभता का प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन काले वस्त्र का त्याग करना चाहिए और भगवान का पूजन कर करके देवी लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए, और श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, और घर में खीर आदि पकवान बना करके चंद्र की रोशनी में उसे रखना चाहिए, और फिर ग्रहण करना चाहिए देवी को भोग लगा कर, इससे शुभता बनी रहती है तथा आरोग्यता बनी रहती है। यह शरद पूर्णिमा 16 तारीख बुधवार को मनाई जा रही है। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करें और पकवान बनाकर घर की छतों पर रखें, उसे भगवती को भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करें और भक्तों में भी वितरित करें।